और देखिए मिशन 1991 परमाणु हमला कराएगा क्या? ये क्या है मिशन 1991? क्या डर है इस मिशन की वजह से परमाणु हमले का? और क्यों ज़ेलेंस्की और पुतिन इस मिशन की वजह से आमने सामने दिखते हैं? ये सब बताएंगे आपको। जरा ये खबर देखिए, यूक्रेन की रॉकेट फोर्स का एक कॉम्बैट ऑपरेशन आपको दिखाते हैं। रूस की सैन्य पोस्ट पर बारूदी बौछार हुई है। यूक्रेन का MLRS से रॉकेट हमला, रॉकेट हमलों से रूसी फौज का बड़ा नुकसान। ये देखिए यूक्रेनी रॉकेट लॉन्चर से कैसे यहां पर फायरिंग की जा रही है। ये है MLRS मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिससे हमला किया है यूक्रेन ने, और कैसे यहां पर MLRS से रूसी फौज को बड़ा नुकसान हुआ है ये देखिए। ये तस्वीरें आपको फुल करके दिखाते हैं। ये MLRS से यूक्रेनी फौज ने रूस की पोजिशन पर कैसे रॉकेट दागे हैं एक के बाद, ये आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको जल्दी से मरिंका से। मरिंका में कॉर्नेट से रूस का थर्मोबारिक हमला, ये देखिए मरिंका में कॉर्नेट से रूस का थर्मोबारिक हमला। थर्मोबारिक बमबारी से मरिंका में भीषण तबाही मची है। ये कॉर्नेट जिससे रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के वेपन डिपो पर थर्मोबारिक गोले दागे यहां पर रूस ने। थर्मोबारिक बमबारी से इमारत चूर चूर हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने, कैसे थर्मोबारिक बमबारी से यूक्रेन की एक इमारत कैसे चकनाचूर हो गई। रूस का यह हमला देखिए, कैसे एक सैनिक यह मिसाइल दागते हुए दिख रहा है और कैसे यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो बताता है कि ये वॉर कैसे और बड़ी होती जा रही है। बाखमुत में रशियन आर्मी पर यूक्रेन की बड़ी स्ट्राइक, देखिए आप, बहुत बड़ी स्ट्राइक है बाखमुत में रशियन आर्मी की। ये तस्वीरें देखिए, रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर जेडाम बॉम्ब गिराया है यहां पर। देखिए आप कैसे यूक्रेन ने जेडाम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। तस्वीरें बहुत विध्वंसक हैं। जेडाम बॉम्ब के धमाके में रूस का मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह हो गया। कुछ इस तरह से विस्फोट हुआ वहां पर। हाल फिलहाल में इस तरह के इतने बड़े विस्फोट की तस्वीरें इस युद्ध से नहीं आई हैं जो आज आई। यूक्रेन की 77वीं ब्रिगेड ने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने खुद यह वीडियो जारी किया है, जेडाम बॉम्ब से कैसे रूस को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया यूक्रेन ने। आइए आपको जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं ये विजुअल, कैसे यहां पर बाखमुत में रशियन आर्मी पर यूक्रेन ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की। ये देखिए कैसे धुआं धुआं कर दिया, 45 मील दूर से अटैक किया। ये देखिए पहले धुआं फिर आग की लपटें, ये विस्फोट आप देखिए जरा। ये बाखमुत में रशियन मिलिट्री हेडक्वार्टर पर यूक्रेन का ड्रोन से अटैक है। यूक्रेन को यूएस से मिला जेडाम बॉम्ब जो उसने दागा यहां पर, अमेरिका का ये GPS गाइडेड बॉम्ब है। और देखिए कैसे यहां पर ये इमारत जो कि रशियन मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, ये देखिए कितना ज्यादा बड़ा यहां पर धुआं दिखा। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये बाखमुत में रूस की सेना के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन की बड़ी एयर स्ट्राइक है जिसने यहां पर तबाह करके रख दिया उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को। आग और धुएं का गुबार देखिए। पुतिन को उकसाने वाली या कहें परमाणु हमला करवा सकने वाली बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन पहुंचे संवर्धित यूरेनियम युक्त गोले। डिप्लीटेड यूरेनियम शेल पहुंच चुके हैं यूक्रेन। ब्रिटेन ने यूक्रेनियम भेजे हैं ये यूरेनियम युक्त गोले और ये वहां पहुंच चुके हैं। गोले के प्रहार से जहरीली गैस का खतरा है, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन को ब्रिटेन ने ये शेल दिए हैं और ये यूक्रेन में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक तक करवा सकते हैं, क्योंकि पुतिन इससे पहले भी इस पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। क्या मिशन 1991 परमाणु हमला कराएगा, ये तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इस बारे में देखिए क्या है ये पूरा मामला, खबर क्या है, जल्दी से PCR दिखाते हैं। क्या है ये खबर और उसके बाद कैसे रूस की तरफ से परमाणु अटैक की धमकी आ रही है वो भी दिखाएंगे। पहले ये तस्वीर देखिए आप, ये खबर देखिए आप, क्या है खबर। यूक्रेन पहुंचे संवर्धित यूरेनियम युक्त गोले, कैसे, किसने भेजे, ब्रिटेन ने भेजे हैं यूक्रेनियम को ये यूरेनियम शेल्स। इससे क्या खतरा है, इससे रूस गुस्से में न्यूक्लियर अटैक के लिए मजबूर हो सकता है
और खास बात यह है कि यूएन ने इस गोले को खुद बहुत जहरीला करार दिया है, उसके बावजूद ये शेल्स वहां पर पहुंच चुके हैं। खास बात यह है, बावजूद इसके ये गोला दुनिया में कहीं भी बैन नहीं है और यही यहां पर डिफेंस है ब्रिटेन का। लेकिन सवाल यह है, ये यूरेनियम युक्त गोले इतने खतरनाक क्यों है? जरा आप देखिए, यह खास यूरेनियम परमाणु संवर्धन प्रक्रिया के दौरान निकलता है। यह रेडियो एक्टिव और बहुत भारी पदार्थ होता है। ये कवच और स्टील को भी, स्टील के भारी भरकम आर्मर को भी आसानी से भेद कर तोड़कर अंदर घुस सकता है। जब गोले का बारूद फटता है तो उससे जहरीली गैस निकलती है। और इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, पश्चिमी देशों पर रूस का बहुत बड़ा आरोप भी है। यहां पर पश्चिमी देश क्या कह रहे हैं समझिए, पश्चिमी देश ये कह रहे हैं कि रूस पश्चिमी देशों पर रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश रेडियो एक्टिव कचरे का भंडार बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ा आरोप, इसी से जुड़ी हुई खबर है, पश्चिमी देश यूक्रेन को रेडियो एक्टिव कचरे का भंडार बनाना चाहते हैं, यूक्रेन को लैंडफिल में बदल रहा है पश्चिम, रेडियो एक्टिव लैंडफिल में, यह कहा है रूस ने। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, देखिए यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, परमाणु हमला इसी से जुड़ा, जो यहां पर अलर्ट दिया जा रहा है परमाणु हमले का, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन युद्ध पर दिमित्री मेदवेदेव ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि हमारी लड़ाई यूक्रेन के से नहीं, सीधे नेटो से है। दिमित्री मेदवेदेव जो कि वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी हेड हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, नेटो ने कुछ गड़बड़ किया तो छोड़ेंगे नहीं, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। पुतिन परमाणु बम मारने में जरा भी हिचकेंगे नहीं, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। तो ये छोटे मोटे शख्स नहीं है, ये कोई छोटा मोटा अधिकारी या टीवी पर बैठा कोई पैनलिस्ट नहीं, बल्कि ये बहुत बड़े ऑफिशियल हैं, पुतिन के बहुत करीबी हैं, वो ये कह रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यह केवल एक खाली धमकी हो सकती है, तो अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो आपको बताएगी कि पुतिन ने कैसे परमाणु हमले की तैयारी तक कर ली है। देखिए, जवाब की ऐसी तैयारी कि 30 अप्रैल 2023 को सदियों तक भुलाया ना जा सके। इंतकाम का ऐसा प्लान जो दुनिया की दो महाशक्तियों की एटमी ताकत का इम्तिहान बन जाए। ऐसा संग्राम जिसमें यूक्रेन में आए तमाम हथियारों की हैसियत दिवाली के पटाखों जैसी रह जाए। क्योंकि रूस उन हथियारों को रेडी कर रहा है जिसका जवाब सुपर पावर अमेरिका के पास भी नहीं है। समंदर में रूस एक बार फिर अपने ज़िरकॉन मिसाइलों का टेस्ट करेगा। और इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ उस 30 अप्रैल की वजह से पड़ी है जिस दिन यूक्रेन रूस पर बड़े पलटवार के लिए ताल ठोक रहा है। ये वही ज़िरकॉन मिसाइल है। ये मिसाइल सी टू सरफेस लॉन्च के लिए तैनात हो चुकी है। ये मिसाइल 200 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड होने में सक्षम है। इसकी फायरिंग रेंज 1500 किलोमीटर है और ये हथियार 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी मैक 9 की स्पीड से तबाही मचा सकता है। यानी अमेरिका के आसपास किसी भी समुद्र में तैनात रूसी पनडुब्बी या मिसाइल कैरियर 1500 किलोमीटर की दूरी से भी अमेरिका पर अटैक कर सकते हैं और इस हथियार को रोकने की क्षमता अमेरिका के पास नहीं है। रूस ने अपने उत्तरी समुद्री तट पर नौसेना चेतावनी जारी की है, तैयारी एक फ्रिगेट से ज़िरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के परीक्षण की है। रूस का अभ्यास 25 से 29 अप्रैल तक चलेगा। रशियन नेवी मिसाइल से प्रहार का अभ्यास करेगी।
रूस से दूर मौजूद दुश्मनों पर हमले की प्रैक्टिस होगी। समुद्र से एटमी प्रहार का अभ्यास भी किया जाएगा। रूस की इन तैयारियों से जाहिर हो रहा है कि पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों पर परमाणु हमले की तैयारी को पुख्ता करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो पुतिन की आपने तैयारी तो देख ली, लेकिन आइए अब आपको वो वजह बताते हैं जल्दी से कि ये परमाणु हमला हो क्यों सकता है। फिर चलेंगे मॉस्को, मनीष जी हमारे साथ हैं और दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पैनल में, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन जल्दी से आपको वो वजह बताते हैं कि ये परमाणु हमला हो क्यों सकता है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं वो वजह क्या है। ये देखिए, चार संभावित वजह जो इसकी है, वो है सबसे पहली वजह मॉस्को पर अटैक। जिस तरह से मॉस्को पर अटैक का प्लान सामने आया यूक्रेन का, अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है एक बड़ा अटैक होगा। नंबर टू, ज़ेलेंस्की की क्रीमिया को पाने की चाहत भी परमाणु हमला करवा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन को अगर नेटो मेंबरशिप मिलती है तो पुतिन फिर क्या कर बैठेंगे किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि युद्ध उसी वजह से हो रहा है। और चौथी वजह जो अभी हमने आपको बताई, डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले अगर मॉस्को को या कहें रूस को बहुत नुकसान पहुंचा गए तो यह बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। मेरे साथ कौन कौन है जल्दी से आपको यह बताता हूं। मेरे साथ इस वक्त जनरल माथुर हैं जो इस वक्त जुड़ रहे हैं जयपुर से इस वक्त हमारे साथ। इसके अलावा मेरे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु हैं स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ हैं, और मेरे साथ हमारे संवाददाता आप देख सकते हैं मनीष झा मॉस्को में मौजूद हैं, जो आपको वहीं से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दे रहे हैं। मनीष की एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और वो रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से है, अब वो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन जनरल माथुर, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, मनीष मैं आता हूं आपके पास। जनरल माथुर, क्या आपको लगता है कि चाहे डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स हो या फिर जिस तरह से यहां पर बात आ रही है लगातार मॉस्को तक हथियार हमला करने की, जो चार वजह हमने आपको बताई, क्या आपको लगता है कि वाकई जिस तरह से इस वॉर को लेकर कहा जा रहा था कि वॉर कभी नहीं होगी और वॉर हो गई, क्या ऐसा ही न्यूक्लियर हमले के साथ भी हो सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, मैं आपके सब पूरी तरह से सहमत हूँ। ये चारों जो वजह आपने बताई हैं, चारों की चारों वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है जो कि रूस को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करे। लेकिन एक बात मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा जो अक्सर मैंने कही है कि ये न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का अर्थ है खुद का उतना ही, अगर ज्यादा नहीं तो नुकसान करवाना, म्यूचुअली अशॉर्ड डिस्ट्रक्शन। तो जहां तक सवाल है थ्रेशोल्ड का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चारों बातें हो सकती हैं जो कि उसको उकसा दें इस वजह तक। और ठीक है, मैं आपको बताता हूं सर, यूक्रेनी पैराट्रूपर्स का रूसी सेना पर बड़ा कहर, अब आपको दिखाते हैं डोनेस्क में रूसी ट्रेंच पर यूक्रेन ने कैसे बमबारी की है। ये देखिए ट्रेंच में कैसे बमबारी हो रही है, ट्रेंच पर यूक्रेन ने, ये आपको दिखाते हैं, ट्रेंच में छिपा कर रखे हथियार और गोला बारूद तबाह कर दिए यहां पर यूक्रेन ने। 79 एयर असॉल्ट ब्रिगेड के पैराट्रूपर्स ने यह अटैक किया है। मिशन 1991, क्या ज़ेलेंस्की ने अब सोच लिया है कि परमाणु हमला करा के रहना है इस वॉर में, क्योंकि अगर ये मिशन पर निकलते हैं तो परमाणु हमला हो सकता है, कैसे, आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये नक्शा है यहां पर, ये यूक्रेन का नक्शा आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं क्रीमिया, ये है सी ऑफ अजोव और ये बर्डियांस्क, प्रिमोर्स्क और ज़ेपोरिजिया के ये इलाके आप देख रहे हैं, मेलिटोपोल जहां निर्णायक लड़ाई इस वक्त चल रही है, ये तीन जगह, ये निप्रो नदी का जो आप तट देख रहे हैं इसी के पास ये ब्रेस्लोव, बर्डियांस्क और प्रिमोर्स्क, ये ज़ेपोरिजिया के तीन इलाके हैं जहां पर हमला हो सकता है। और ये जो क्रीमिया है जो यहां से रूस को जोड़ता है, ये आप जो सी ऑफ अजोव देख रहे हैं और ये ब्लैक सी जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो पूरा ब्लैक सी है, यहां पर ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये सारा इलाका यहीं से होते हुए क्रीमिया ज़ेपोरिजिया होते हुए पहुंच सकते हैं यूक्रेनी सैनिक, ये जानकारी आ रही है। 30 अप्रैल का प्लान कैसे डिकोड हुआ, ये देखिए कैसे यहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं हमले के लिए ज़ेपोरिजिया को ही क्यों चुना गया। रूस का ध्यान इस वक्त खेरसोन में यूक्रेन को रोकने पर है, रूस का ध्यान बटाकर ज़ेपोरिजिया की तरफ से क्रीमिया पर अटैक की तैयारी दिखती है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा, बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी यह भी कहा जा रहा है। लेकिन
जरा जल्दी से एक मैप दिखाता हूं आपको, मिशन 1991 समझाता हूं, फिर हमारे गेस्ट के पास जाते हैं। दिखाइए पीसीआर अगर वो मैप रेडी हो यहां पर, कैसे मिशन 1991 को आप इन मैप्स के जरिए समझ सकते हैं। आप पहले ये मैप देखिए, ये है 1949 से 1989 का मैप, जहां पर रूस, यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, आसपास के लातविया, तमाम नेटो देश यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। ये 1949 से 1989 का मैप, उसके बाद फिर ये विघटन शुरू हुआ यूएसएसआर का, और उसके बाद आपको 1991 का एक मैप यहां पर दिखाते हैं, वो आप मैप देखिए। ये है 1991 का मैप, जब अगस्त 1991 में यूक्रेन रूस से अलग हुआ था। जरा इसको क्लोज कीजिए, उस वक्त ये जो आपको येलो दिख रहा है ये क्रीमिया है, और वो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था 1991 में। जब यूक्रेन रूस से अलग हुआ तो ये क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। ये रूस से अलग होकर जब यूक्रेन यहां पर एक नया देश बना, लेकिन 2014 के बाद क्या स्थिति है वो आपको इस मैप पे दिखेगा। अब आप देखिए, ये 2014 का मैप है, और यहां पर अब रूस यूक्रेन से क्रीमिया को छीन चुका है। यानी 2014 में यूक्रेन के एक पार्ट पर रूस ने उस कब्जा किया, और अब वो उसका पार्ट है, और यही है मिशन 1991। यानी इस स्थिति में यूक्रेन वापस आना चाहता है, क्रीमिया को रूस से दोबारा छीनकर अपना पार्ट बनाना चाहता है रूस, और यही क्या परमाणु हमला कराएगा, क्या पुतिन ये होने देंगे। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, हमने यहां पर बताया मिशन 1991 क्या है, अब आप जरा ये बताइए आपके पास रशियन इंटेलिजेंस से इनपुट क्या है। बिल्कुल गौरव, देखिए जेलेंस्की का ये सपना है कि वो क्रीमिया को वापस यूक्रेन को दिला सके। क्या ये सपना पूरा होगा, तो मैं कहूँगा कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले जेलेंस्की का एक सपना पूरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वो इंतजार कर रहे थे कि चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से उनकी टेलीफोन पर बातचीत हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले उनकी बातचीत हो गई, वो बहुत दबाव में थे क्योंकि सी जिनपिंग रूस आए थे, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात नहीं कर रहे थे। अमेरिका की तरफ से भी चीन को कहा जा रहा था कि कम से कम टेलीफोन पर बात कर लो। ये सपना तो पूरा हो गया, लेकिन क्रीमिया को वापस लेने का सपना इसलिए नहीं पूरा हो सकता है क्योंकि क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की की सेना ने जो प्लान बनाया था वो पूरा प्लान ही डिकोड हो गया है, वो पूरा प्लान ही लीक हो गया है, जिसके तहत यूक्रेन की सेना को 30 अप्रैल को कूच करना था और जेपोरेजिया के उन मैदानी इलाकों से होते हुए सी ऑफ अजोव के तट तक पहुंचना था, और फिर रोड मार्ग के जरिए जो लगभग 100 किलोमीटर का है वो क्रीमिया में प्रवेश करता। और अब मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी खेरसोन से होते हुए उस रास्ते से क्रीमिया जा चुका हूं। हालांकि मैंने रूस की ताकत देखी थी, लेकिन जेलेंस्की को ऐसा लगता था कि मेलितोपोल में लड़ाई के बाद शायद वो रूस की सेना को पीछे खदेड़ देंगे, जो कि संभव नहीं है। इसी वजह से रूस ने अब पूरी तैयारी की है। रूस का प्लान यह है कि अगर जेलेंस्की की सेना ने ऐसा दुस्साहस किया तो मैदानी इलाके में ही हवाई हमले के जरिए उन्हें पूरी तरह से मैं वो खबर दिखा दूं जो अभी अभी आपने एक बड़ी खबर दी है, फिर मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु के पास जाना चाहता हूं। मनीष, आपने एक बड़ी खबर अभी अभी हमें दी है लाइव हमारे दर्शकों को, और वो खबर है कि जिनपिंग के साथ जेलेंस्की की बातचीत हुई है। देखिए अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर जो मॉस्को से सीधे हमारे पास आ रही है वाया मनीष झा। जेलेंस्की ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है, बड़ी खबर। जेलेंस्की और जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है। जब से ये वॉर शुरू हुई है इन दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली बात है ये, दोनों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। जिनपिंग मॉस्को तक हुआ है, लेकिन उन्होंने कीव न जाने की जहमत उठाई, ना जेलेंस्की से बातचीत करने की जहमत उठाई। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इसको आप कैसे देखते हैं? हम मिशन 1991 की बात कर रहे हैं, उस पर भी आपका मुझे यहां पर वजन चाहिए, लेकिन आप इस खबर को कैसे देखते हैं अगर जेलेंस्की से जिनपिंग की बातचीत हो रही है तो? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और जिनपिंग ने अगर जेलेंस्की से बात की और इसका फॉलोअप ये होगा कि एक डेलीगेशन जो चाइना का है वो यूक्रेन जाएगा और वहाँ के ऑफिशियल से बात करेगा। उसके ऑफिशियल से बात करने के बाद अब चाइना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि रशिया भी उसकी बात सुन रहा है। अगर जेलेंस्की भी ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा मीडिएशन की, और पीस उस रीजन में लाने की कोशिश करेगा। पहला उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि सीज फायर जिस भी स्थिति में, उसके बाद कौन से रीजन किसके हक में जाएंगे उसका डिसीजन होगा, कि जैसे चार स्टेट हैं किन स्टेट में ऑटोनोमस करेंगे। आपको क्या लगता है कि जेलेंस्की से बातचीत की वजह से, जिनपिंग से अगर बातचीत हुई है, तो उनके मिशन 1991 पे कोई असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर
पड़ेगा। जब अगर जिनपिंग से आप बात कर रहे हैं तो मिशन 1991 तो बैकयार्ड में चला गया। 1991 तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई पीस टॉक नहीं है, तब आप ये ऑफेंसिव प्लान क्रीमिया पे आप जो लॉन्च। सवाल यहाँ पर एक बड़ा है यहाँ पर, जनरल माथुर, क्या आपको लगता है कि जिनपिंग के अंदर इतनी ताकत है कि वो इन दोनों देशों के बीच कुछ समझौता करवा सके, या आपको लगता है कि ये एक रस बदायगी होगी और जिस काउंटर ऑफेंसिव की हम बात कर रहे हैं, 30 अप्रैल की बात कर रहे हैं, वो होके रहेगा? देखिए गौरव, मैं आपको एक बात बता दूं कि दोनों की टर्म्स इतनी डिफिकल्ट हैं कि कोई जो अगर मान लो सीज फायर होता भी है अगर और उसकी वजह शी जिनपिंग होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि शी जिनपिंग और रशिया मिलकर के एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का सपना देख रहे हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि अगर कोई होता है तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल सीज फायर होगा, क्योंकि पुतिन जब तक अपना उद्देश्य नहीं हासिल कर लेंगे वो रुकने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये मिलिटरीली क्रीमिया को कैप्चर करना यूक्रेन के बस की बात नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता सकता हूं। अब यूक्रेन का उद्देश्य क्या रहेगा? यूक्रेन का उद्देश्य रहेगा कि जो रशिया की वल्नरेबिलिटी है, जो रेल रोड लिंक जो कि रशिया को क्रीमिया से जोड़ता है, उसके ऊपर डोमिनेशन करना। तो वो तो अटैक करवा चुके हैं, कर्च ब्रिज पर वो अटैक हो चुका है और अब वहां पर 7-लेयर सिक्योरिटी है रशिया की तरफ से। बिल्कुल 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 सही गौरव, बिल्कुल। यूक्रेन की सदस्यता को लेकर नेटो में मतभेद एक बार फिर सामने आ गए हैं। यूक्रेन की सदस्यता को लेकर नेटो में कैसे एक और मतभेद उभर कर सामने आया है। हंगेरियन संसद की डेप्यूटी स्पीकर डोरा ज्यूरो का बड़ा बयान, यूक्रेन की नेटो में एंट्री पुतिन के बिना संभव ही नहीं है। यह हंगरी की पार्लियामेंट की डेप्यूटी स्पीकर ने कहा है, जब तक पुतिन नहीं चाहेंगे यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। यानी एक बहुत बड़ा तंज है जो यह कसा है हंगरी ने यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को लेकर। जल्दी से इस बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्या है यहां पर हंगरी की तरफ से वो वीटो जो यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोक रहा है, ये देखिए आप। जल्दी से आपको यहां पर जानकारी देते हैं, यूक्रेन को लेकर नेटो में आर पार, क्या है वो आर पार ये समझिए। हंगेरियन संसद की डेप्यूटी स्पीकर डोरा ड्यूरो ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि पुतिन से हरी झंडी के बिना यूक्रेन नाटो देश नहीं बन सकता। ये है डोरा ड्यूरो जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं। हंगरी लगातार नेटो में यूक्रेन के शामिल होने के खिलाफ है, यह विरोध हंगरी लगातार करता रहा है। जुलाई की मीटिंग में भी जेलेंस्की को बुलाने का विरोध उन्होंने किया, इसके मायने क्या है? यूक्रेन को पश्चिमी मदद पर हंगरी पहले भी सवाल उठाता रहा है, नेटो में रहकर हंगरी की अमेरिका को सीधी चुनौती है, असर क्या होगा इससे? हंगरी के विरोध में यूक्रेन की नेटो में एंट्री बेहद मुश्किल है, हंगरी के विरोध की वजह क्या है? यूक्रेन में रह रहे हंगरी के लोगों को दोयम दर्जे की नागरिकता यूक्रेन ने दे रखी है और यह कहीं ना कहीं बड़ी वजह है। जल्दी से एक और बड़ी खबर बेलारूस से आ रही है। बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेन की एक मिलिट्री ड्रिल हुई है, यूक्रेनी जवानों की फेस टू फेस वॉर की प्रैक्टिस, भीषण युद्ध के हालातों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग वहां पर लेते दिखाई दिए हैं रूसी जवान, यूक्रेनी जवान। मैं जरा मनीष के पास जाना चाहूंगा। मनीष, एक ट्रेनिंग का वीडियो हम देख रहे हैं, तो क्या ये माने कि रूस भी लगातार, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे अपनी धरती हो, चाहे वो क्रीमिया हो, लगातार उसको भी पता है कि 30 अप्रैल को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है और वो भी उसकी तैयारी में लगा हुआ है? क्या दिख रहा है आपको ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, देखिए 30 अप्रैल का दिन तो बेहद गंभीर है, क्योंकि 30 अप्रैल से यूक्रेन की तरफ से जवाबी हमले की कार्रवाई की बात सामने आ रही है और अलग अलग दस्तावेज इसको प्रमाणित भी करते हैं। लेकिन रूस का यह भी सोचना है कि 30 अप्रैल के बाद, आप देखिए, 1 मई मजदूर दिवस रूस के लिए या पूर्व सोवियत संघ के इलाके के लिए बहुत बड़ा दिन, 9 मई रूस का विजयी दिवस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री के बाद वो मनाते हैं, फिर बड़ा दिन है। तो रूस को ये अंदेशा है कि 1 मई से लेकर 9 मई के बीच में दरअसल जो रूस में एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है उसे खत्म करने के लिए या उसे नीचा दिखाने के लिए यूक्रेन की तरफ से कोई जोरदार हमला होगा, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो रूस ने अपने तरफ से पूरी तैयारी की है। अब बात यह है कि यह तैयारी केवल इसी लेवल पर नहीं है, आपने सही कहा, बेलारूस या दूसरे और इलाके इसलिए शामिल हैं क्योंकि रूस को लगता है कि कहीं ये लड़ाई इससे आगे ना बढ़ जाए। रूस इस उम्मीद में है कि ये लड़ाई कभी भी सीधे रूस और नाटो के बीच हो सकती है, तो वैसी स्थिति में अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से रूस अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहता है ताकि नाटो का मुकाबला कर सके, नाटो को मुंहतोड़ जवाब दे सके। ठीक है, जरा चलते हैं हम छोटी वॉल पर। देखिए यहां पर हम आपके लिए जो खबर लेकर आ रहे हैं वो आज तक आपने नहीं देखा होगा, टीवी पर पहली बार न्यूक्लियर कमांड सेंटर
हवा में। जी हां, टीवी पर पहली बार हवा में न्यूक्लियर कमांड सेंटर आपको दिखेगा। ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, आज इसके अंदर लेकर चलेंगे आपको। कैसे यहां पर इस प्लेन में पूरा न्यूक्लियर कमांड सेंटर है वो आपको दिखाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूएस की डूम्स डे ड्रिल। 19 अप्रैल को ही ड्रिल का वीडियो अमेरिका ने खुद जारी किया है। आसमान में उड़ता दिखा है अमेरिका का न्यूक्लियर कमांड सेंटर, जिसको डी डे प्लेन भी कहते हैं, डूम्स डे प्लेन। बोइंग E-6 प्लेन से न्यूक्लियर हमले की ड्रिल की है यहां पर अमेरिका ने। जरा आपको आइए बिग वॉल पर लेकर चलते हैं। PCR आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त ये डूम्स डे प्लेन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसा दिखता है, उसके अंदर कैसे वहां पर ऑपरेट किया जाता है और कैसे वो अपने आप में उड़ता एक न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। ये देखिए ऑपरेशन, इसको जरा शुरू से यहां पर डालिए PCR। ये देखिए, ये है E-6 मर्करी प्लेन, इसके बारे में आपको दिखाते हैं शुरू से। PCR इसको लूप में चलाइए यहां पर, और फिर हम वहां पर दिखाते हैं कैसे ये डूम्स डे प्लेन के अंदर मौजूदा ये जो कमांड सेंटर है ये काम करता है। ये देखिए, ये है बोइंग E-6 मर्करी प्लेन, ये डी डे प्लेन भी कहलाता है, लेकिन इसके अंदर आपको लेकर चलेंगे। ये है वो न्यूक्लियर ऑपरेशन की टीम जिसमें एक शख्स यहां भी बैठा हुआ है। कुल 20 लोग हैं जो इस डूम्स डे प्लेन के अंदर काम करते हैं, इसको चलाते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। आप देखिए कैसे ये टीम ऑपरेशन के लिए रवाना हुई, उसमें बैठी और उसके बाद ये प्लेन अब टेक ऑफ कर रहा है यहां से। E-6 मर्करी प्लेन ने कैसे टेक ऑफ किया इसको आप देख सकते हैं। अभी तक आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन अब अंदर आइए। ये जमीन पर मौजूद एक कमांड सेंटर है, ये उस प्लेन के अंदर का वीडियो नहीं है, लेकिन ये कमांड सेंटर उससे लिंक है जो इस वक्त हवा में उड़ रहा कमांड सेंटर है, और वो उसको कैसे वहां पर, आप देखिए ये प्लेन में मौजूद टीम को ऑर्डर मिला, ये अंदर का वीडियो है, और उसके बाद देखिए ये चाबी घुमाएगा ये शख्स और कैसे एक बड़ी मिनट मैन ICBM मिसाइल निकलेगी। ये चाबी घुमाई, चाबी घुमाई और ये मिसाइल फायर होती है। ये मिनटमैन 3 मिसाइल जो कि ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको उड़ते हुए आप देख सकते हैं। ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु, मैं आपको यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा। सर, ये डूम्स डे प्लेन, हमने सुना था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो तो उनका चलता फिरता ऑफिस होता है एयरफोर्स वन, लेकिन ये डी डे प्लेन कैसे चलता हवा में उड़ता न्यूक्लियर कमांड हेडक्वार्टर है, सर बताइए। देखिए, ये जो ये बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल का सेटअप है जो एयरबोर्न है। ज्यादातर कमांड एंड कंट्रोल ग्राउंड बेस्ड होते हैं, वहां से आपके कम्युनिकेशन सेटअप होता है और टारगेटिंग की लिस्ट जो होती है वो पहले से फीड होती है। इसी को रेप्लीकेट अगर आपने हवाई जहाज में सारी गैजेट फेस कर दें, कम्युनिकेशन सेटअप बना रहे और ग्राउंड से लिंक कर ले और जहां से आपका जो टारगेटिंग है उसकी लिस्ट आपके पास है, तो कुछ ये नहीं, बस ग्राउंड का एक कमांड पोस्ट एयरबोर्न है जो आपको। लेकिन सर, अगर मतलब ये माने कि ये बैकअप है कोई, कि अगर जमीन पर कोई हमला हो जाए तो आसमान से भी ऑपरेट कर सके न्यूक्लियर मिसाइल्स को। हाँ, ये देखिए मल्टीपल कमांड पोस्ट है, एक ग्राउंड में होता है, एक एयर में होता है, इसी तरीके से शिप में भी आपके कमांड पोस्ट होते हैं। अगर आप सेलिंग के लिए जाते हैं तो शिप का कमांड पोस्ट एक्टिव हो जाता है। तो ये डिफरेंट वेराइटीज है, कौन सा कमांड पोस्ट कब एक्टिव होना है, कब टारगेटिंग करना है, ये इस पर निर्भर करता है। मेन चीज होता है इसमें कम्युनिकेशन, ऑल द कमांड पोस्ट शुड बी इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, और वो जमीन पर बना कमांड सेंटर दोनों को सबको कहीं ना कहीं वो सिनर्जाइज करता है। जी हाँ, सर, और शूटर एंड सेंसर का लिंक होता है, जैसे कि कैसे शूटिंग करनी है उससे उसका लिंक एस्टैब्लिश होना चाहिए। मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं एक और बहुत बड़ा तबाही का हथियार जो यूक्रेन के युद्ध मैदान में पहुंच चुका है। यूक्रेन में तबाही के लिए रूस की बहुत बड़ी तैयारी दिखती है। पहली बार रूस ने जंगी मैदान में उतारा है अपना T-14 अर्माटा टैंक, दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में से एक माना जाता है। फ्रंट लाइन के सेकंड लेयर से हमला करेंगे अर्माटा टैंक। अर्माटा के साथ साथ घातक आर्टलरी गन भी उतारने की तैयारी है। 122mm फेलॉक्स आर्टलरी गन भी उतारेगा रूस। आपको वो अर्माटा टैंक दिखाते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में से एक है अर्माटा टैंक, T-14 अर्माटा टैंक आपके लिए दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए जरा वो अर्माटा टैंक कैसा दिखता है और उसकी क्या खासियत है। ये आपके सामने आ गया अर्माटा टैंक। लंबाई इसकी 29 फीट है, ऊंचाई इसकी 11 फीट है, स्पीड 80 से 90 किलो प्रति घंटे की है जो जनरली टैंक्स की होती नहीं है। वजन 48 टन है। हथियार इसके पास है वो 125mm की गन है और 57mm का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी है इसके ऊपर। ये है वो अर्माटा टैंक जो चैलेंजर, अब्राम्स और लेपर्ड के सामने रूस ने उतार दिया है, और ये जो स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव बताया जा रहा है वो इसको और ज्यादा खतरनाक बना देगा। समय नहीं है लेना अपने एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात करते। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया।